नमस्ते, स्वागत है आपका प्रो म्यूजिक साउंड में। मैं बताने वाला हूँ उन टॉप 10 प्लगइन्स के बारे में जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है और हरियाणवी म्यूजिक बनाने के लिए भी। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी VSTs होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, वो हम किसी भी भाषा या जॉनर में यूज कर सकते हैं। कुछ टोन्स होते हैं जिनका प्रयोग पर्टिकुलर भाषा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ उन VST प्लगइन्स के बारे में। तो जो फर्स्ट है वो है मेरा नेक्सेस। लगभग सभी के पास होगा क्योंकि ये एक ऐसा VST है जिसमें हर कुछ अवेलेबल है। और ऐसे में बता दूं, सारे VST में आपको लीड हो गया, RPGO, साउंड प्लग वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। अब बशर्ते ये रहता है कि जो VST का लीड टोन पसंद है, किसी VST का प्लग साउंड, किसी का पियानो हम यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी और हरियाणवी जो मेलोडी के लिए, म्यूजिक बनाने के लिए ज़्यादातर लीड का यूज़ किया जाता है, जो लीड टोन होते हैं। चलिए मैं कुछ टोन सुना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखिए RPGO, बेस, क्लासिकल, पियानो सब कुछ है। आप अगर लीड टोन सुनना चाहते हैं तो आप देखिए, और सुना देता हूं मैं आपको, और देखते हैं। क्लासिकल में जाएंगे तो देखिए ब्रास वगैरह का मिल जाएगा आपको, फ्लूट, दूसरा है वो है Z3TA। ये VST, ये भी कमाल का VST है। मतलब इसका टोन वगैरह, मतलब आपको कुछ सुना देता हूँ। जैसे देखिए इसका कुछ टोन्स है, आपने सुना कितना बेहतरीन है। तो इसमें भी आपको RPGO, बेस, सीक्वेंस, परकुशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सिंथेसाइजर सब कुछ है इसमें भी। तो ये VST भी कमाल का है, मतलब म्यूजिक बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड जो VST आता है वो है दियोन। ये तो सबके पास होगा और इसमें भी सब कुछ है, लीड से लेके RPGO, मतलब कॉर्ड्स, प्लाक वगैरह बहुत कुछ है इसमें। आप इसका यूज, बहुत सारे इसके टोन से जो कि काफी बेहतरीन है। आप यहाँ पे धुन फैक्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत सारे लीड टोन मिल जाएंगे। तो ड्यून हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो है साइलेंथ। साइलेंथ काफी यूज होता है इसका। बहुत सारे इसके लीड टोन है जो काफी, मतलब दमदार हैं। और लीड है, RPGO साउंड है, आपको सीक्वेंस मतलब कि मिल जाएंगे, परकुशन वगैरह सब कुछ है इसमें। अगर साइलेंथ के बाद में बात करूं तो स्वर प्लग, डेफिनेटली स्वर प्लग के बिना, मतलब अगर बेंजो का टोन चाहिए तो बहुत कुछ है इसमें। आपका सहनाई है, सितार है, बहुत, मतलब अच्छे अच्छे जो इंडियन स्टोन है इसमें भरा पड़ा है, तो ये तो होना ही चाहिए। बाद में बात करूं तो स्पायर VST, डेफिनेटली स्पायर VST के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। इसके बारे में, इसमें भी सब कुछ, इफेक्ट्स लेके बहुत यूज लाइब्रेरी है इसकी, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, बेस, लीड, RPGO, सिंथ वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ है इसमें। और थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके टोन को लेके कि कौन अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा यूज करना है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका स्पायर VST। मैं अगर अगले की बात करूँ 7वें नंबर पे, तो वो है जेब्रा। इसके भी मैंने बहुत सारे टोन्स हैं जो कि भोजपुरी में अभी यूज़ हो रहे हैं, फिलहाल में ट्रेंडिंग में है ये VST। और इसमें भी लीड बेस जो है, इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको म्यूज़िक बनाने के लिए। और मैं नेक्स्ट की बात करूँ 8वें नंबर पे, तो वो है हाइव। हाइव आपके पास ज़रूर होगा। देखिए इसका जो प्रीसेट होता है, प्रीसेट में जाएंगे तो अनेक प्रकार के, मतलब देखिए यहाँ पे मोनो लीड, पोली लीड्स सब कुछ पड़ा हुआ है, प्लग कोड्स। और मैं बहुत यूज लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसकी। और मैं अगर कुछ सुनाना चाहूँ तो चलिए मैं इसी पे चलता हूँ, देखता हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि कितना मतलब बेहतरीन टोन है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, अलग अलग इसमें कैटेगरी दिया, बेस इफेक्ट। सो अगर मैं इसके बाद बात करूं तो 9वें नंबर पे है हमारा दीवा। डेफिनेटली दीवा इज वन ऑफ द बेस्ट VST जिसको आपको, आप सभी के पास होना चाहिए। और दीवा में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लाइब्रेरी है, इसकी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पे अगर प्रीसेट पे जाते हैं तो आपको देखिए सब कुछ मिल जाएगा, लीड वगैरह का टोन। सुना आपने कितना क्लीन साउंड है इसका। और अगर मैं 10वें की बात करूं तो सिंथ मास्टर, इसमें भी बहुत सारे आपको लीड टोन, मतलब अलग अलग बेस, बेल साउंड, कॉर्ड्स, गिटार सब कुछ मिल जाएंगे। मतलब कि कमाल का इसमें भी लीड टोन है और आप इसे यूज कर सकते हैं अपने मेलोडी के लिए, राइट, गिटार का टोन वगैरह सब। सो दीज आर द टॉप 10 VST जहाँ पे आपको अपने मेलोडी में, अपने म्यूजिक बनाने के लिए आप कर सकते हैं। और मैं किसी और ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ऐसे कौन से मतलब साउंड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आपको जरूर जानकारी मिला होगा कि इंडस्ट्री में कौन सा भी VST चल रहा है। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।